The Dawn Express, Aina Sashka. मैं जगदीश तिवारी, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। चीन में महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस ने अब भारत में अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जहां बुधवार को इससे संक्रमित लोगों की संख्या अचानक बढ़कर 31 हो गई, वहीं 23 लोगों का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया और 28,000 लोगों पर निगरानी की जा रही है। 5वीं तक के स्कूल 30 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। इराडा ने सर्कुलर जारी कर सभी बीमा कंपनियों को कोरोना वायरस का पूरा खर्चा देने को कहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यालय ने कहा कि इस बार राष्ट्रपति भवन में होली मिलन समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह होली का त्यौहार नहीं मनाएंगे और किसी भी होली मिलन समारोह में आयोजन नहीं करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, दुनिया भर के विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने के कार्यक्रमों को कम करने की सलाह दी है, इसलिए इस साल मैंने किसी भी होली मिलन समारोह में न जाने का फैसला किया है। इस साल होली 10 मार्च को है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने 28 लोगों के कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आने की जानकारी दी थी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए एहतियाती उपायों की समीक्षा बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में बताया कि विदेश यात्रा कर भारत आने वाले सभी यात्रियों की जांच की जाएगी। अभी तक कोरोना वायरस के संक्रमण के दायरे वाले 12 देशों से भारत आने वाले यात्रियों की स्कैनिंग की जा रही है। इस बीच गुड़गांव में पेटीएम के एक कर्मचारी को जांच में कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। कंपनी ने इस बुधवार को एक बयान में कहा कि कर्मचारी हाल ही में इटली से छुट्टियां बिताकर लौटा था, जो कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में एक है। इस बीच केंद्र सरकार के साथ ही दिल्ली सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने कई बैठकें की। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि विदेशों में 17 भारतीय कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनमें से जापान क्रूज जहाज से 16 मामले सामने आए हैं, जबकि संयुक्त अरब अमीरात से एक भारतीय इनमें शामिल है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बुधवार को कहा कि भारत का इरादा ईरान में एक प्रयोगशाला स्थापित करने का है, ताकि वहां से भारतीयों को वापस लाने से पहले उनकी कोरोना वायरस की जाँच की जा सके। ईरान सरकार ने अभी तक इसके लिए अनुमति नहीं दी है। अनुमानतः 1200 भारतीय वर्तमान में ईरान में हैं, जिनमें से अधिकतर छात्र और तीर्थयात्री हैं। पीके मिश्रा की अध्यक्षता वाली बैठक में गृह मंत्रालय को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह सीमाओं पर एकीकृत जांच चौकियों पर स्कैनिंग प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों, जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को बताया कि कोरोना वायरस से उत्पन्न हालात से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तत्परता से सक्रिय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। जावड़ेकर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रधानमंत्री स्थिति की प्रतिदिन समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि देश के 21 हवाई अड्डों पर यात्रियों की नियमित तौर पर स्कैनिंग की जा रही है और इस प्रक्रिया से अब तक 6,00,000 लोग गुजर चुके हैं। दिल्ली और राजस्थान सहित कई राज्य सरकारों ने होटलों और गेस्ट हाउसों में पर्यटकों की जांच की है। राजस्थान में घूमने आए इतालवी पर्यटक दल के संपर्क में आए राज्य के कुल 215 लोग आए, जिनमें से 93 के नमूने लिए गए हैं। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बुधवार को राज्य विधानसभा में यह जानकारी दी। इस बारे में लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर सरकार की ओर से बयान देते हुए मंत्री ने कहा कि इस पर्यटक दल के संपर्क में आए 93 लोगों के नमूने लिए गए हैं।
51 संदिग्ध रोगियों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई, जबकि 41 की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के झुंझुनू में 69 व्यक्ति इस दल के संपर्क में आए, उनमें से 39 लोगों में लक्षण नजर आए। जोधपुर में 14, बीकानेर में 44, जैसलमेर में 14 व्यक्ति इस दल के संपर्क में आए। उदयपुर में 6 में से 1 एवं रमादा होटल में 6 कर्मचारियों के नमूने जांच के लिए भिजवाए गए हैं। इसी तरह पर्यटक के इलाज में शामिल रहे फोर्टिस अस्पताल में 35 में से 9 कर्मचारी, एम्स अस्पताल में 35 कर्मचारियों सहित 37 लोगों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमण के जिन 28 मामलों की पुष्टि हुई है, उनमें 45 वर्षीय एक मरीज दिल्ली के मयूर विहार इलाके का निवासी है और 6 अन्य उसके आगरा निवासी रिश्तेदार हैं। उन्होंने बताया कि इन सभी का इलाज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित दिल्ली के मरीज के संपर्क में आने वाले 88 लोगों की जांच के सभी प्रयास जारी हैं। उन्होंने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कोरोना वायरस से उत्पन्न हालात से निपटने के लिए उनके नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वायरस को फैलने से रोकने के लिए आप सरकार ने हर संभव उपाय किए हैं। तेलंगाना में 2 लोगों के नमूनों को जांच के लिए पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान भेजा गया है। वहीं सरकार ने एहतियाती कदम बढ़ा दिए हैं। राज्य सरकार ने सार्वजनिक वाहनों में साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए जैसे विभिन्न कदम उठाने का निर्णय किया है। तेलंगाना नगर प्रशासन मंत्री के टी रामा राव ने हैदराबाद मेट्रो रेल और राज्य परिवहन मंत्री पुरवारा अजय कुमार से हैदराबाद मेट्रो ट्रेन और तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन की बसों में साफ सफाई का ध्यान रखने को कहा है। जम्मू के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इटली और दक्षिण कोरिया की यात्रा करने वाले 2 लोगों को अलग रखा गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को अलर्ट कर दिया गया है, हालांकि यहां अभी तक कोरोना वायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। गौतम बुद्ध नगर में 15 जनवरी तक विदेश यात्रा करने वाले कम से कम 373 लोगों को निगरानी में रखा गया है। नोएडा में कोरोना वायरस के संदेह में 3 बच्चे समेत जिन 6 लोगों के नमूने लिए गए थे, उनकी जांच निगेटिव पाई गई है। हालांकि सभी 6 लोगों को अगले 14 दिन के लिए अपने अपने घर में अलग थलग रहने को कहा गया है। अधिकारियों ने बताया कि अगर उसमें कोविड-19 के लक्षण नजर आते हैं तो उनके नमूनों की फिर से जांच की जाएगी। महाराष्ट्र में पृथक वार्ड में भर्ती किए गए कम से कम 161 पर्यटकों की जांच नकारात्मक पाई गई है और राज्य में अभी फिलहाल 9 लोगों को अलग से रखा गया है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मध्य जनवरी से अभी तक 66,977 यात्रियों की जाँच की जा चुकी है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू ने राज्य की विधानसभा को बुधवार को जानकारी दी कि कोरोना वायरस को लेकर अब तक पंजाब में 70,000 लोगों की जांच की जा चुकी है। शून्यकाल के दौरान सिद्धू ने कहा उनकी जांच रिपोर्ट नकारात्मक पाई गई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में खजुराहो हवाई अड्डे के निदेशक पीके वैज ने बताया कि इटली में आए 9 पर्यटक को एवं उनके एक भारतीय गाइड को कोरोना वायरस के संदेह में मंगलवार को छतरपुर जिला अस्पताल में जांच के लिए भेजा गया था, क्योंकि ये पर्यटक उन देशों से गुजरते हुए आए थे जो कोरोना वायरस की चपेट में थे। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।